हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र पाल आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम एग्जाम स्टडी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर कृषि सहायक की जो परीक्षा होने वाली है उसके अंतर्गत जो 20 महत्वपूर्ण सामान्य कृषि के प्रश्नों के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न देखेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, ये क्लास नंबर 1 है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है फसलों की खेती कब से आरंभ की गई। तो दोस्तों, कब से आरंभ की गई, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती शुरू की गई थी। तो ये की गई थी तो दोस्तों ये की गई थी 7500 ईसा पूर्व, 7500 ईसा पूर्व में जो कृषि की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों, ये सारे प्रश्न एनालिसिस करके महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लाया गया है। तो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ये स्थित है नई दिल्ली में। तो दोस्तों, ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों, ये की गई थी 1906 ईस्वी में। ये देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सेवाग्राम प्रोजेक्ट को किसने शुरू किया था। सेवाग्राम जो प्रोजेक्ट था इसको शुरू किया था महात्मा गांधी ने। इसने किसने महात्मा गांधी ने 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना को राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका उद्घाटन किसने किया था। तो दोस्तों, इसका उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोस्तों, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को किसने दिया था, तो दिया था बलवंत राय मेहता ने। तो दोस्तों, अगर बात की जाए दो स्त्री की तो दिया था अशोक मेहता ने। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि आयोग कब बना था। तो दोस्तों, ये बना था 1970 ईस्वी में। राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना की गई थी 1970 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों, ये की गई थी 12 जुलाई 1982 ईस्वी में। तो दोस्तों, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों अपने साथियों को शेयर करिए और लाइक करिए चैनल पे। दोस्तों, अगर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को प्रेस करेंगे जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी। तो दोस्तों, ये शुरू की गई थी 1998 ईस्वी में। 1998 ईस्वी में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों, ये किया गया था 18 नवंबर 2004। इसके दोस्तों प्रथम अध्यक्ष MS स्वामीनाथन। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICR की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, ICR की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, ये हुई थी 16 जुलाई 1929 ईस्वी में। तो दोस्तों, इसके प्रथम महानिदेशक की बात की जाए तो ये थे डॉक्टर BP पॉल। तो दोस्तों, ये थे BP पॉल, इसके प्रथम महानिदेशक ICR के। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कुटील मछली पालन एवं एक्वाकल्चर किस वर्ष को कहते हैं। तो दोस्तों, ये कहते हैं 2022 ईस्वी को। इस वर्ष को क्या कहते हैं, 2022 ईस्वी सन को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कुटील मछली पालन एवं एक्वाकल्चर वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष किस वर्ष को कहते हैं। तो दोस्तों, ये कहते हैं 2024 को। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस ये मनाया जाता है 15 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। नेक्स्ट प्रश्न है, किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट है, फादर ऑफ जीरो टिलेज के पिता कौन है। फादर ऑफ जीरो टिलेज के पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, ये हैं JV टिपलेट को फादर ऑफ जीरो टिलेज कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग किसे कहते हैं? तो ये हैं दोस्तों सर अल्बर्ट होवर्ड, ये फादर ऑफ ऑर्गेनिक के पिता हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है जोधपुर राजस्थान में। 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? दोस्तों ओलरीकल्चर में सब्जियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, करनाल बर्न व्याध की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी मित्रा 1930 में। तो दोस्तों ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आप सभी को कैसे लगे? तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो आप अपने सुझाव कमेंट में कर सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।